हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड, आज फिर एक नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रेंड, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर, हम सोलर सिस्टम किस प्रकार ख़रीदें और कौन सा सोलर सिस्टम हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड, बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं। 2022 में यदि आप भी सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हो तो फ्रेंड, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड देखिए, सोलर में भी बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे कि हम बात करते हैं फ्रेंड, सोलर चार्ज कंट्रोलर आता है, SMU आता है और एक सोलर इन्वर्टर आता है। तो फ्रेंड, ये इनमें से कौन सा खरीदे, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड, जो सोलर चार्ज कंट्रोलर आता है फ्रेंड, वो केवल आपकी बैटरी को चार्ज करता है। इस प्रकार जैसे कि आप उसको एक DC चार्जर समझ सकते हो, जो कि केवल आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। तो फ्रेंड, यदि आप एक छोटा सोलर सिस्टम लगा रहे हो आपके घर के लिए, जैसे 50 वाट का, तो फ्रेंड उनमें क्या है, हमें केवल DC लोड लगाते हैं, हम उस पर DC LED लगाएंगे और DC फैन लगाएंगे। बहुत छोटा सा सिस्टम लगाना है आपको, वहाँ पे कोई भी इन्वर्टर का यूज़ नहीं होगा। तो फ्रेंड, वहाँ पे आप आपकी बैटरी को एक अच्छा सा सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद के चार्ज कर सकते हो। फ्रेंड फिर वहाँ पर भी दो टेक्नोलॉजी है, आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद सकते हो या PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद सकते हो। फ्रेंड PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर छोटे सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना कहीं भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फ्रेंड आप MPPT भी लगाओगे तो फ्रेंड इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे बड़ा सिस्टम होता है वहाँ पे आपको MPPT ही लगाना चाहिए। तो फ्रेंड छोटे सिस्टम पे आप अमीची है, UTL है इनके छोटे, और XID है इनके छोटे सोलर चार्ज कंट्रोलर आते हैं जो 10 एम्पियर 20 एम्पियर तक के जन सोलर का आता है। तो फ्रेंड इनके आप खरीद सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि हमें SMU खरीदे या सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदे। तो फ्रेंड यदि आपके पास पहले से इन्वर्टर और बैटरी मौजूद है घर में और आप सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हो, तो फ्रेंड आपको सोलर मैनेजमेंट यूनिट SMU खरीदना चाहिए। और SMU भी फ्रेंड देखिए, यहाँ पे दो टाइप के आते हैं, एक आता है स्मार्टन का, एक MPPT में आता है, एक PWM में आता है। MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग और PWM है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो फ्रेंड इनमें से कौन सा खरीदना चाहिए आपको। यदि फ्रेंड आप बड़ा सिस्टम लगवा रहे हो जैसे 1 किलोवाट 2 किलोवाट का, तो आप MPPT पर जाइए। यदि आपको छोटा सिस्टम लगवाना है, 200-300 वाट का छोटा सोलर सिस्टम लगवाना है, तो फ्रेंड आप PWM पर भी जा सकते हो। और फ्रेंड जो PWM है उसमें भी मैं सबसे अच्छा सोलर चार्ज कंट्रोलर आप वो SMU है वो आपको सजेस्ट कर देता हूँ। जो UTL का SMU है फ्रेंड बहुत ही बेस्ट है PWM टेक्नोलॉजी में, जो कि 40 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ आता है उसमें। और फ्रेंड स्मार्टन ने भी सेवियर प्लस के नाम से नया PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर SMU निकाला है, PWM SMU स्मार्टन का सेवियर प्लस, जिसमें कि फ्रेंड 50 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ आता है, उसको भी आप खरीद सकते हो। उसका प्राइस 2700 रुपये है और UTL SMU है उसका प्राइस लगभग 2900 रुपये। तो फ्रेंड ये आपको तभी खरीदना है जब आपके पास पहले से ही एक नॉर्मल इन्वर्टर और बैटरी मौजूद हो, तो आपको SMU खरीदना है। अब फ्रेंड हम बात करते हैं कि हमें AC लोड चलाना है और हमारे पास इन्वर्टर भी नहीं है और बैटरी भी नहीं है, पहले से कुछ भी नहीं है आपके पास, तो फ्रेंड उस टाइम आपको सोलर इन्वर्टर ख़रीदना चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, ना बैटरी है ना इन्वर्टर है, तो फ्रेंड आप एक नॉर्मल इन्वर्टर की बजाय आप सोलर इन्वर्टर खरीद लीजिए, क्योंकि सोलर इन्वर्टर में फ्रेंड एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी काम करेगा, साथ ही उसमें सोलर चार्ज कंट्रोलर भी लगा हुआ आता है। तो फ्रेंड यदि आप एक सोलर इन्वर्टर खरीदने जा आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फ्रेंड आप एक सोलर इन्वर्टर खरीद लीजिए। और सोलर इन्वर्टर भी दो टाइप के होते हैं फ्रेंड, PWM और MPPT। तो वहाँ पे फ्रेंड PWM का आप माइक्रोटेक का खरीद सकते हो। माइक्रोटेक कंपनी ने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं निकाला है, जो छोटे सोलर इन्वर्टर है तो उनमें आप माइक्रोटेक 1435 या डबल बैटरी पे भी ले सकते हो। और यदि फ्रेंड आपको UTL का लेना है तो UTL का भी हेलिक आता है। और उसके अलावा यदि MPPT में लेना है तो फ्रेंड MPPT में ऑनलाइन हम देखें तो फ्रेंड बहुत ही कम ऑप्शन अवेलेबल है। MPPT में केवल UTL के पास 1 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है और स्मार्टन के पास डबल बैटरी पे यदि आप सिस्टम लगाना चाहते हो, MPPT सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हो, तो फ्रेंड आप उस पर स्मार्टन का प्राइम MPPT प्लस 2.5 KVA सोलर इन्वर्टर आता है, वो आप खरीद सकते हो। तो फ्रेंड यदि आपको एक बार फिर से मैं
शॉर्ट में समरी बता देता हूँ फ्रेंड। यदि आपको बहुत छोटा सा डीसी सोलर सिस्टम लगाना है, मतलब डीसी में जिसमें डीसी एलईडी लगेगी और डीसी फैन लगेंगे, तो फ्रेंड वहाँ पे आप सोलर चार्ज कंट्रोलर का यूज़ कीजिए। यदि आपके पास पहले से एक इन्वर्टर और बैटरी मौजूद है तो फ्रेंड आप वहाँ पर SMU सोलर मैनेजमेंट यूनिट खरीदिए, क्योंकि फ्रेंड सोलर मैनेजमेंट एक चार्ज कंट्रोलर का भी काम करता है, मतलब आपकी बैटरी को भी चार्ज करेगा, साथ ही आपके इन्वर्टर को भी वो कमांड देगा कि कब उसको इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कट करनी है, कब सोलर से लोड चलाना है। तो वो एक हम मान सकते हैं कि फ्रेंड जो आपका इन्वर्टर है उसको भी पूरा कंट्रोल करता है। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो फ्रेंड आप एक सोलर इन्वर्टर खरीद लीजिए। तो फ्रेंड 2022 में इस प्रकार आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हो। और फ्रेंड बेस्ट जो सबसे सस्ता सोलर सिस्टम होगा उसका भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा आपको कि कौन कौन से सोलर सिस्टम आपको बहुत सस्ते प्राइस में पड़ जाएंगे। तो फ्रेंड ये थी हमारी वैल्यूबल जानकारी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच।